क्या आपको पता है क्वाइट एट होम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छी जान पहचान होना, यानी किसी चीज से अच्छी पहचान होना। जैसे अगर आपको कहना हो उसे इंग्लिश में अच्छी मालूमात है यानी अच्छी जानकारी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश से अच्छी तरीके से परिचित है, इससे अच्छी जान पहचान है। मुझे उससे अच्छी जान पहचान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम क्वाइट एट होम विद हिम, यानी मुझे उससे अच्छी जान पहचान है या अच्छी तालुकात है। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा क्वाइट एट होम एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज से अच्छी जान पहचान होना या परिचय होना या तालुकात होना। अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी मुश्किल दिनों के लिए या तंगी वाली दिनों के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुश्किल दिनों के लिए पैसे बचाओ या मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचाओ। अगेंस्ट अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए या मुश्किल दिनों के लिए, हमें मुश्किल दिनों के लिए पैसे बचाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी शुड सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी हम लोगों को मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। कैट एंड डॉग लाइफ, यानी झगड़ों वाली जिंदगी। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि उन लोगों की फैमिली झगड़े लड़ाई वाली जिंदगी जी रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर फैमिली इज लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, यानी उन लोगों की फैमिली झगड़े लड़ाई वाली जिंदगी जी रही है। अगर आपको कहना हो कि मुझे झगड़े लड़ाई वाली जिंदगी पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ, यानी मुझे झगड़े या लड़ाई वाली जिंदगी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा कि कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है झगड़े या लड़ाई वाली जिंदगी। आइए अगला वर्ड देखते हैं एट इशू, यानी विवाद का विषय या झगड़े का मुद्दा। अगर आपको कहना हो कि यह लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है या झगड़े का विषय रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस हैज बीन एट इशू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी यह लंबे समय से झगड़े का मुद्दा रहा है या झगड़े का विषय रहा है। अगर आप लोग को कहना हो कि उन लोगों के जमीन का बंटवारा विवाद का मुद्दा रहा है या झगड़े का विषय रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पार्टीशन ऑफ देयर फील्ड्स हैव बीन एट इशू, यानी उनके खेतों का बंटवारा झगड़े का विषय रहा है या विवाद का मुद्दा रहा है। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के किनारे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा गांव नदी के किनारे है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई विलेज इज बाई द साइड ऑफ अ रिवर, यानी मेरा गांव एक नदी के किनारे है। अगर आपको कहना हो कि यूनियन बैंक गांव के किनारे है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यूनियन बैंक इज बाई द साइड ऑफ विलेज, यानी यूनियन बैंक गांव के किनारे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा बाई द साइड ऑफ का मतलब होता है के किनारे। एट द रिस्क ऑफ, यानी जोखिम में डालकर या मुसीबत में डालकर। जैसे कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं मैंने अपना जान मुसीबत में डालकर उसे बचाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सेव्ड हर एट द रिस्क ऑफ माई ओन लाइफ, यानी मैंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर उसे बचाया। अगर आपको कहना हो कि वह अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर यह किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डिड दिस एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, यानी उसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इसे किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि एट द रिस्क ऑफ का मतलब होता है जोखिम में डालकर या मुसीबत में डालकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए